हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज आपका चैप्टर 2 डिफरेंशियल ऑपरेटर का लेक्चर नंबर 3। और स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स जो दो आपके हो चुके हैं उनके अंदर हमने जो डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल है उसके ऊपर कुछ चर्चा की थी, जिससे रिलेटेड हमने एक तो आंशिक अवकलन के ऊपर चर्चा की और एक डेल ऑपरेटर क्या होता है उसके ऊपर चर्चा की। उसके अंदर स्टूडेंट हमने एक आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रेडियंट आर, सो ग्रेडियंट ऑफ एफ कोई भी फंक्शन हो उसको निकालने से इसको लिखा जाता है डेल एफ के फॉर्मेट में, ठीक है। और डेल यहाँ पे आपका क्या होता है, डेल ऑपरेटर होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड। अब डेल क्योंकि एक वेक्टर है और एफ सी है, इसके साथ लगा हुआ है कि इनके बीच में न तो कोई डॉट है न कोई क्रॉस है, यानी यहाँ से एक बात आपके माइंड में स्टूडेंट आ जानी चाहिए जो है वो वेक्टर में होकर क्या होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए। एफ जो यहाँ पे वेक्टर ना होकर स्टूडेंट क्या होना चाहिए कि स्केलर होना चाहिए। और इसी से रिलेटेड आज जो हम एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, इसके जो पांच पार्ट है जो आपके बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यदि आप इनको एक बार ये पांचों पांचों आपको समझ आ जाते हैं तो एक चीज आप कन्फर्म मान के चल सकते हैं कि जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट है वो आपके कुछ हद तक कवर हो जाएगा। क्योंकि मेन यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम आती है कि वेक्टर और स्केलर है, क्योंकि बच्चों जो बुक्स या जो एग्जाम पेपर होता है वहाँ पे कई बार क्या होता है आपको मैं पहले टच में लिखने का पैटर्न नहीं होता है, वेक्टर को डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है, स्केलर को राइट लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन वो तो हो क्या रहा है स्केलर के दोनों ही डायरेक्ट लिखे हुए आ जाते हैं, कई बार जो डायरेक्ट होना चाहिए वो लाइट लिखा हुआ में तो कन्फ्यूजन हो जाता है भाई ये वेक्टर है या स्केलर, डायरेक्ट लाइट लिखा सकते हैं कि ये उनका क्या होता है, ये बड़ा नंबर एन का साइन लगा होता है, जैसे आपने ये लिखा है देखते हैं कि वो वेक्टर है। इसलिए बच्चों मैं यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा के चल रहा हूँ जिससे आपके कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए माइंड में भी जो वेक्टर है स्केलर है। मेरे इस मॉडल इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं और इसका जो मेन कंसेप्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं। हमें इसमें जो दिया गया है कि सॉरी इसको ऐसे पड़ेगा आर डायरेक्ट आर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। और आर वेक्टर स्टूडेंट आपका क्या है, एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के, यहाँ पर हम क्या बता देते हैं सीधा आई जे के ही यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो मीनिंग भी देंगे ओके, फर्स्ट आपको प्रूफ करना है ग्रेडियंट आर इक्वल टू आर वेक्टर होगा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अब बुक में जब आप देखोगे यहाँ पे डार्क हो लाइट हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपसे खुद अपने नॉलेज के ऊपर आई है और वो देखिए ग्रेडियंट किसका निकलता है, वेक्टर का या स्केलर। तो आपको मैं बता चुका हूँ ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकलता है, यानी यहाँ से एक बात हमारे समझ में ये पहले याद रखिए ये आर जो है वो वेक्टर ना होकर मैग्नीट्यूड यानी स्केलर से आएगा, क्लियर। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद इक्वल टू आर कैप है, आर कैप हम जानते हैं जो एक यूनिट वेक्टर होता है, तो ये भी जानते हैं कि कोई भी स्केलर फंक्शन हो उसका ग्रेडियंट हमेशा रिजल्टेंट आपको वेक्टर ही देगा, कोई भी स्केलर हो उसका जो ग्रेडियंट होता है उसका रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर ही होता है, ये बच्चों आप क्लियरली जानते हो। तो आइए फिर इसको आप सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए पहले आर तो चाहिए ना, आर वेक्टर ही है। एक और इसका आंसर या प्रूफ जिसे आपको बोलो मैसेज स्टार्ट कर रही है, ये तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जो बेटर चाहिए आपको हम यहाँ पे लिख लीजिए जो कुछ एक्स्ट्रा किसी जो दोगे तो, ठीक है। आर होता है क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के लिए जितना रूट का कंसेप्ट कम हो उतना बेटर होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो टू एक्स की रिस्पेक्ट में टू वन टू आर डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू टू एक्स आई एम तो दो से दो मेरा डेल आर अपॉन डेल एक्स का फिर एक्स अपॉन आर, ठीक है। इसी प्रोसेस से यदि मैं डेल आर अपॉन डेल वाई को वाई अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल जेड होगा तो हो जाएगा जेड अपॉन आर,
विधानसभा में जारी तो यदि हम इसको x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करता हूं यानी x के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा कि r2 का 2 r का del r / dx होगा x2 का 2x y और z क्या होंगे आपको पता है कांस्टेंट होगा ना फिर आपको इस तरह r कांस्टेंट नहीं r कांस्टेंट थोड़ी ना होता है r तो x y z का फंक्शन है r x y z का फंक्शन है तो r तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता x होगा 2 से 2 गया डिवाइड में अब ये प्रोसेस यदि मैं y के लिए करूं z के लिए करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी अब बात रही है हम ने क्यों निकाली थी कि हमें इसकी जरूरत है अब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो अब बार बार इसको करने के लिए इसको नफे की लेते हैं इसको फिर मैं यहाँ लिखता हूँ तो क्वेश्चन ये कि आप पता सर बड़ा हो जाएंगे तो बड़ा ही कर देंगे तो ये जो मेन बात है ना तो बुक्स में बंद करने की ये जो बुक्स में बंद किए ना ये बात जो आपको याद है इनके बाद एंड जो पड़ेगी तो फर्स्ट जो एक बात है वो चाहिए आपको ग्रेडियंट ऑफ आर ग्रेडियंट ऑफ आर क्या होगा वो इक्वल डेल आर डेल यू डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जे ले कुछ ऐसे ही डिजाइन करेगा ना स्टूडेंट अब इस आर को यहाँ पे अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल आर अपॉन डेल जे ले ठीक है तो इन तीनों की वैल्यू हमने क्या निकाली x अपॉन r y अपॉन r और z अपॉन r याद रखें तो क्या जाएगा x अपॉन r i प्लस y अपॉन r j प्लस z अपॉन r q 1 अपॉन r यदि हम फॉर्मूला निकाल लें तो हो जाएगा x i y j z k और ये कंप्लीट क्या है आपका r वेक्टर अपॉन r और स्टूडेंट आप सभी जानते हो यदि किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से यदि किसी वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा यूनिट वेक्टर आएगा आर क्या आपके सामने दिख रही चाहिए कोई डाउट है तो देख सकते हो हाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो वीडियो को पॉज कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए काम का ठीक है ये बात देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसलिए क्योंकि उसमें जो कुछ बात ऐसी हो जो अलग हो जो आपको लेकिन नोट करने वाली है तो वीडियो को पूछ करो स्क्रीनशॉट ले लो और उसको फिर नोट कर लिया ठीक है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट यानी हमें जो प्रूव करना था ग्रेडिएंट आर इक्वल टू आर क्या इसको हमने क्या लिखा आर वेक्टर अपॉन आर लिख लेते थोड़ी सी इसकी जरूरत पड़ी गया ठीक है फर्स्ट पार्ट में जो क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट देखो सेकेंड जो इसका पार्ट है थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर ग्रेडियंट ऑफ वन अपॉन आर अलग ना वन अपॉन आर ये ग्रेडियंट जिसके साथ गया वो स्केलर ही होगा वेक्टर कभी नहीं होगा वेक्टर बना मत देना उसको कैसे नहीं करके ओके तो इसको मैं क्या लिखूंगा डेल वन अपॉन आर तो यह जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जी प्लस डेल अपॉन डेल जी की वन अपॉन आर वन अपॉन आर वन सभी के साथ लगा दो क्या जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स वन अपॉन आर आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई वन अपॉन आर जी प्लस डेल अपॉन डेल जी वन अपॉन आर की अब एक बटे एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर होता है उसके अकॉर्डिंग कर दो तो ये हो जाएगा एक बटे आर का होगा माइनस एक बटे आर स्क्वायर और हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स सेम ही प्रोसेस सेम ही चलेगी माइनस एक बटे आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई जी माइनस एक बटे आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल जी माइनस एक बटे आर स्क्वायर इस पॉइंट में ऐसे कॉमन निकाल दो क्या हो जाएगा x सॉरी आर स्क्वायर x अपॉन आर आई प्लस y अपॉन आर जी प्लस z अपॉन आर
मैं ग्रुप जो बने आर वेक्टर को आर क्यूब हो जाएगी या फिर मैं निकाल लूं तो माइनस ए बटे आर क्यूब आ गया अंदर आ गया एक्स आई वाई जे जेड के और ध्यान से देखिए आर वेक्टर होगा तो जाएगा माइनस वन अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर यानी जेड का जेड अपॉन माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्वेश्चन कंप्लीट है बच्चों आराम से देख सकते हो कोई डाउट है आराम से एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए लिखने का जो प्रोसेस है जो प्रूफ करने का तरीका हमने लिया वो दिमाग में आपके आना सबसे ज़्यादा जरूरी है देख लो कोई डाउट है तो स्टूडेंट बताओ आराम से स्टूडेंट चीज को देख सकते हो आप अपने समय जो लिखी हुई है क्योंकि प्रोसेस आपके माइंड में बैठनी जरूरी है जो तो आपको प्रोसेस माइंड में बैठे तो बच्चों आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट हो आता ही रहेगा ठीक है इसलिए एक एक चीज़ को दिमाग में बैठे इतना नहीं समझ नहीं प्रयास करो जल्दी से ठीक है माइंड में जो क्लियर बैठ गया तो इसका वी पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो अब बात करते हैं सी पार्ट सी पार्ट की जो प्रूफ करना है वो ये इसका जो सी पार्ट है देन एफ आर ये बता रहे हो एफ डैस आर देखने में लग रहा हो सिर्फ आर आ गया क्या करें कोई डरने वाली जरूरत नहीं जो सिंपल सी प्रोसेस है बस उसी के अकॉर्डिंग चले जो अभी तक आपको बताया गया तो इसको मैं बैठे क्या लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेक्स एफ आर प्लस डेल अपॉन डेल एफ आर जी प्लस डेल अपॉन डेल जेड एफ आर जैसा ऐसे ही कौन आगे देखो एफ का क्या होगा एफ डैश आर और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल वाई जी प्लस एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल जेड की कुछ ऐसा मुझे पहले नहीं ये है ना तो पहले फंक्शन को होते फिर अंदर वाले वेरिएबल का होगा ये तरीका होता है इसके बाद आप क्या करोगे आपका काम क्या होगा एफ डैश आर को कॉमन ले लीजिए एफ डैश आर यदि कॉमन हो जाएगा तो आपके पास इसको कुछ ऐसा नहीं ले सकते क्या अब आप इसे तीनों के दिमाग में बात आ रही है सर आपने इसको एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर क्यों नहीं लिया कुछ छोटा मोटा प्रूफ करना है उसमें टेलर चाहिए और यदि ध्यान हो तो ये सभी नहीं डेल आर की ही होती है ये डेल आर की ही वैल्यू होती है कंसेप्ट समझ आ गया होगा ले लीजिए कोई डाउट है तो बताइए जल्दी आराम से बच्चों जल्दी जल्दी कोई जरूर कोई कंफ्यूजन है कोई डाउट है तो बताइए डी पार्ट में जो होती चाहिए डेल एफ आर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू जीरो प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट के पास थोड़ा सा वेक्टर का बेसिक नॉलेज को लगा हुआ आपने जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है तो आपने क्लियर पढ़ा है यदि किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ हो तो वो क्या हो जाता है जीरो रिपीट कर रहा हूँ जो ध्यान सुनो कि यदि किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी के साथ हो तो वो क्या हो जाता है रिजल्ट जीरो अब आपको आर क्रॉस यहाँ पे दिखाई दे रहे तो यदि इसे आप कैसे न कैसे करके आर क्रॉस के अंदर बदल दो तो जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा हो जाएगा ना तो देखो क्या करते हैं इसको क्या लिखते हैं डेल एफ आर को अभी हमने लिखा एफ डैश आर डेल आर क्रॉस आर वेक्टर तो डेल आर ये ना आर वेक्टर अपॉन आर याद आ रहा है ना मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि हमने भी जरूरत पड़ेगी इसकी तो एफ डैश आर में तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे अगर डेल आर को लिखो आर वेक्टर अपॉन आर क्रॉस आर ये आर सीधा बाहर निकाल लो तो एफ डैश आर अपॉन आर ये क्या है आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और उसमें कोई भी वेक्टर हो उसका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है जीरो तो एफ डैश आर अपॉन आर ये क्या हो जाएगा जीरो जीरो मल्टीप्लाई में तीस आर का सारा जीरो हो जाएगा क्लियर हुआ लो कितना ईजी है लेकिन
फॉर्मूलों का आपस में यूज करना आपको आना जरूरी है। और आपसे इसको देखो इसको बस समझ गए कि बेसिक नॉलेज आपको माइंड में आनी चाहिए। तो वे जीरो कैसे होगा, आप ऑप्शन के लिए मतलब जाना रिक्वेस्ट में ये सोच रहा हूँ कि मसल इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर। हाँ क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए नहीं कि जीरो नहीं बनेगा, जीरो बन जाएगा लेकिन कैलकुलेशन इतनी टफ हो जाएगी जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट मेरा बार बार आपसे यही कहना है फॉर्मूलों को आपस में अरेंजमेंट करना वेक्टर का सारा कंसेप्ट माइंड में रखना जरूरी है। यदि इतनी बात आपके याद है तो मान के चलो आपको फिनिश में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है इसका फोर्थ पार्ट क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट बारी आती है इसके ई पार्ट को देखो। ई पार्ट में जो आपको याद करते हैं ग्रेडियंट को आर की घात है, इसको आप क्या लिखोगे डेल आर की घात है लिखोगे लिखो तो यह आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन आई डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन करो आर की घात में क्या होगा एम आर की घात एम माइनस वन डेल आर अपॉन डेल एक्स आई ठीक है एम आर की घात एम माइनस वन डेल आर अपॉन डेल वाई जी एम आर की घात एम माइनस वन डेल आर अपॉन डेल जेड ठीक है। कुछ ऐसा रिजल्ट बनेगा ना यहाँ पर मत क्लियर हो गई अगले तो m r की पावर माइनस वन है जी इसको मैं क्या लिखूँ x अपॉन r i y अपॉन r g z अपॉन r i बोले सही कर दिए ठीक है। ये बच्चों कॉमन निकाल के लिख दिए पहले ठीक है और नीचे से r और बाहर आ जाएगा तो जाएगा m r की पावर m माइनस वन अपॉन r अंदर हो गया एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड जो प्रूफ करना है तो गए एक बार और नीचे तो माइनस में आ जाएगी एम आर की पावर एम माइनस टू बोली नीचे होता है आर ये रिजल्ट रिजल्ट आपके सामने कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो बताइए प्रोसेस दिमाग में बैठे नहीं बैठे रिजल्ट कैसे निकालो। इस तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। यदि मान लो आपको बस सीधा कोई फंक्शन दिया हुआ है कि डिफरेंशिएट करो पॉइंटर को फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में ही आपको परेशानी आएगी और आगे इसी टाइप के ही सारे क्वेश्चन करने जहाँ पे आर डेल का आपस में एक मिक्सचर सा हो जाएगा ठीक है जहाँ पर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज याद रखेंगे ठीक है। तो बच्चों पूरी उम्मीद रहेगी कि आपको एग्जाम का समझ आया होगा क्वेश्चन करने की जो प्रोसेस है वो समझ आई होगी ठीक है। तो जो बाकी जिसके जो क्वेश्चंस हैं जो कुछ टफ हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे और नए टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर।